जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम कंपेयर करेंगे रियलमी 8 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का। दोनों ही फ़ोन 15 से 20 हज़ार के बीच में बेस्ट है, ये तो आपको पता ही है। दोनों में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल कैमरा, जो इन दोनों का फ़ोन का सबसे बिगेस्ट हाइलाइटिंग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोनों के ही मतलब हम लोग बात करें दोनों का बिल्ड क्वालिटी से, तो दोनों में बिल्ड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। नोट 10 प्रो मैक्स में ग्लास बॉडी है, वेयर एज रियलमी 8 प्रो में आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। तो अगर इन हैंड फील की बात करें तो ग्लास बॉडी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर बात करें पोर्ट्स की, तो दोनों में ही आपको मतलब डुअल सिम और एक माइक्रो कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों में ही 3.5 mm का जैक का सपोर्ट मिलता है आपको। दोनों ही फ़ोन बहुत स्लिम है यार, दोनों ही फ़ोन का इन हैंड फील मस्त है यार। भाई लोग टेंशन मत कीजिए, दोनों ही फ़ोन मस्त है, सिर्फ कुछ कुछ मतलब पॉइंट डिफरेंस है। अगर बात करें दोनों फ़ोन की वेट की, तो नोट 10 प्रो मैक्स में 192 ग्राम का है, वेयर एज रियलमी 8 प्रो 176 ग्राम है। रियलमी 8 प्रो मतलब बहुत स्लिम है, हल्का है, दोनों ही फ़ोन स्लिम है, 8.1 mm थिकनेस पर है, पर रियलमी 8 प्रो ज़्यादा हल्का है। अगर बात करें इन हैंड फील की, तो दोनों ही फ़ोन का सेम है। और बात करें कैमरा की, तो दोनों ही फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है आप लोग को सैमसंग का। दोनों ही फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, एंड 5 मेगापिक्सल का मतलब नोट 10 प्रो मैक्स में माइक्रो है, वेयर एज रियलमी 8 प्रो में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। कैमरा सैंपल आपके सामने है, आपको जो अच्छा लगे चूज़ कीजिए। मुझे तो पर्सनली रियलमी 8 प्रो का है, मतलब कलर थोड़ा पंचर है, आप देख सकते हैं। और आपको कौन सा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है कंपेरिजन तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। दोनों ही फ़ोन का सेम है 108 मेगापिक्सल। अगर बात करें बैटरी की, तो 5200 mAh का बैटरी मिल जाता है आपको नोट 10 प्रो मैक्स में, एंड रियलमी 8 प्रो में 4500 mAh का बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी में स्लाइटली मतलब नोट 10 प्रो मैक्स ज़्यादा है। अगर बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो 50 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है आपको रियलमी 8 प्रो में, वेयर एज नोट 10 प्रो मैक्स में 33 वाट का चार्जर मिल जाता है। तो ये जो 50 वाट चार्जर है रियलमी 8 प्रो में, ये कम से कम 40 to 45 मिनट्स में आपका फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। 15 मिनट्स में तो 50% हो जाता है। अब आपका चॉइस, बिग बैटरी या फास्ट चार्जिंग। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपको नोट 10 प्रो मैक्स में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 720G, वेयर एज रियलमी 8 प्रो में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 720G। अगर ऑन पेपर देखें दोनों चिपसेट को, तो दोनों ही सेम है यार, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर रियल लाइफ में देखें तो AnTuTu बेंचमार्क मतलब रियलमी 8 प्रो का ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा किया है रियलमी ने। तो रियलमी 8 प्रो में आता है 287,000 AnTuTu, वेयर एज नोट 10 प्रो मैक्स में 276,000। तो आपको चूज़ कीजिए, बेंचमार्क देख लीजिए। अगर बात करें दोनों फ़ोन का डिस्प्ले का, तो दोनों फ़ोन में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वेयर एज नोट 10 प्रो मैक्स में आप हंड्रेड एंड ट्वेंटी हर्स रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और रियलमी 8 प्रो में नॉर्मल डिस्प्ले है 60 हर्स का, पर रियलमी 8 प्रो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो नोट 10 प्रो मैक्स में नहीं है। तो आपका पर्सनल चॉइस, आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर ड्यूरेबिलिटी की मामले में बात करें, तो यहाँ पर रियलमी 8 प्रो मतलब सीधा सीधा विन होता है, क्योंकि नोट 10 प्रो मैक्स में मतलब बिल्ड क्वालिटी को बहुत कंप्रोमाइज़ किया गया है। अब अगर आपको यकीन नहीं होता, आप देख सकते हैं गुप्ता इन्फॉर्मेशन ने मतलब ये किया है, टेस्ट किया था पेन टेस्ट, जहाँ पर नोट 10 प्रो मैक्स मतलब क्लियरली मतलब हार गया था, रियलमी 8 प्रो जीत गया था। अगर बात करें दोनों का मतलब बिल्ड क्वालिटी, दोनों में सेम है, पर मतलब रियलमी 8 प्रो ज़्यादा स्लाइटली ड्यूरेबल है। अगर बात कंक्लूजन पे आए, तो ऐसे रियलमी 8 प्रो इज़ ए क्लियर विनर, बिकॉज क्योंकि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिलता है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, मतलब ब्रेक नहीं होगा बेन टेस्ट पे, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा दिया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फास्ट चार्जिंग। तो इन माय व्यू रियलमी 8 इज़ द विनर, 8 प्रो इज़ द विनर। अगर आपको ऐसे ही मतलब वीडियो चाहिए और, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।